ठीक है, चलता रहेगा क्या? ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट? मतलब बताओ डेवलपमेंट प्रोग्राम होते क्या हैं? जैसे रोड्स को डेवलप करना, पाइपलाइन, जैसे उन्होंने बात करी ना पाइपलाइन डालने की बातें करी है, उसको डेवलप करना, या कुछ वाटर सप्लाई या कुछ और डेवलपमेंट जैसे स्कूल बनाना, ये सब भी नॉर्मल। और विलेजेस दैट कम अंडर इट, जो एक एक ग्राम पंचायत, मान लो एक ग्राम पंचायत के अंदर में, एक ग्राम पंचायत के अंदर 3, 4, 5 ऐसे कुछ विलेजेस आते हैं, तो ग्राम पंचायत सबके साथ डील करती है कि इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम को सबके इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंट, क्या मतलब है? इम्प्लीमेंट मतलब उनको स्टार्ट करना, स्टार्ट करके काम को स्टार्ट करके, इम्प्लीमेंट मीन्स काम को स्टार्ट करके डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उन्होंने प्लान बनाया है, पहले इनिशियल में प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद में उस प्लान को एक स्टार्ट करके कंप्लीट करना है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। ग्राम सभा की भी कमिटी होती है, जैसे कुछ कमिटी, कमिटी मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कमिटी? कमिटी मीन्स देर आर 4 to 5 मेम्बर्स, मे बी 4 to 5 और मोर मेम्बर्स इन ए ग्रुप। इट इज़ ए बेसिकली कमिटी इज़ ए बेसिकली ग्रुप एंड इट इज़ फॉर्म फॉर अचीविंग सम ऑब्जेक्टिव। लाइक जैसे इनका काम है, इस कमिटी का काम है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ग्राम सभा के ही कुछ लोग मिलके एक कमेटी बना लेते हैं, वो कमेटी जो है इन्हीं कामों को देखती रहती है कि कैसे कंस्ट्रक्शन के और डेवलपमेंट के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, ठीक से ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दिस कमेटी इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सभा तो नॉर्मल विलेजर्स उनको, और ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच और अदर पंच को किसी को मिला के एक कमेटी बना ली जाती है। Who work together to carry out a specific task? Specific task मतलब construction development के, जैसे road construction का काम चल रहा है, pipeline का या drainage construction का काम चल रहा है, तो वो ये सब committee इनको देखती है। एक यहाँ फोटो दी गई है, 2 village panch from Maharashtra who were awarded the Nirmal Gram Puraskar in 2005 for excellent work done by them in the panchayat. ये एक दिया है, द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है, क्या क्या काम है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, ठीक है, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब जो कॉमन गांव वाले की यूज आती है, ये सब तो आती है, और अदर क्या हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना है ना। दूसरा है लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। लेविंग एंड कलेक्टिंग, लेविंग मतलब इंक्लूड करना, कोई पहले अभी तक तो कोई टैक्स नहीं था, मान लो कोई दूसरा टैक्स लगाना है तो उसको बोलते हैं लेविंग एंड कलेक्टिंग। और कोई टैक्स लगा दिया, मान लो कोई रोड्स में से आना जाना चल रहा है। हाँ बोलो। डू द ग्राम पंचायत आल्सो टेल अनदर पीपल टू देयर कम्युनिटीज टू क्लीन द गार्बेज? ना, दे कैन टेक अप दिस वर्क ऑल्सो। तो गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑलरेडी एक एजेंसी रहती है। गाँव में गार्बेज कलेक्शन नॉर्मली नहीं रहता है, लोग अपने से ही डिस्पोज करते हैं। बट अगर गांव बड़ा हो गया है, गार्बेज कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक एजेंसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक दो आदमी लगा देते हैं उसके लिए, एक या दो आदमी मिलके उस काम को कर लेते हैं एंड उनको सैलरी जो है ग्राम पंचायत की तरफ से मिलती है। नाउ लेविंग एंड कलेक्टिंग टोकल टैक्सेस, तो
ये टैक्सेस भी कर अलग करती है ग्राम पंचायत, फ्रॉम विलेजर्स, हाँ फ्रॉम विलेजर्स और फ्रॉम पासर बाय, जो द पीपल हु आर यूजिंग द रोड्स और समथिंग लाइक दैट, जो सम कॉमन मिनिमम टाइप ऑफ लोकल टैक्सेस जो होते हैं जो पंचायत के अंडर में आते हैं वही कलेक्ट कर सकती है। जिनको ऑथराइजेशन मिलता है ग्राम पंचायत की कि ये टैक्सेस जो हैं ग्राम पंचायत कलेक्ट कर सकती है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू गिव वर्क टू पीपल, वर्क, हाउ दे विल अर्न बाय वर्किंग समवेयर इन द इन द इन द फील्ड और इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू इफ यू टेक अप द प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पीपल विल वर्क ऑन दीज प्रोग्राम्स एंड सम मनी विल बी पेड ऑन एवरी डे बेसिस टू देम। सो इट हैज सो एम्प्लॉयमेंट उन लोग को ऐसा दिया जाता है। उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी रहती है जिसमें इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और नाउ अब ये सब तो है, अब ग्राम पंचायत का ये काम तो है, बट ग्राम पंचायत के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, हाउस टैक्स लगता है वो ग्राम पंचायत वो कलेक्ट करती है विलेजर से। मार्केट प्लेस में कुछ टैक्सेस होते हैं है? वो ये कलेक्ट करते हैं। दूसरा कहाँ से रेवेन्यू सोर्स है उनका? रेवेन्यू मीन्स फंड्स, फंड्स मीन मनी। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद देन जिला पंचायत। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट से इनको ग्रांट भी मिलती है पंचायत को है? फंड्स इनको बोलते हैं फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द थ्रू जनपद एंड जिला पंचायत। जनपद मीन्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दे गिव फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज टू द पंचायत एंड पंचायत यूटिलाइज दिस फंड इनटू फॉर दिस वर्क्स। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, कुछ लोग जो होते हैं वो डोनेशन देते हैं, जैसे कुछ बड़ा बिजनेसमैन कोई है है? वो क्या करता है ग्राम पंचायत को डोनेशन दे देता है कि आप ये रोड बनाने के लिए पैसा ले लीजिए, आप रोड बनाइए, ग्राम पानी की सप्लाई के लिए पैसा ले लीजिए, या ऐसे ही पैसा देता है कि आप अपने ग्राम के गांव के डेवलपमेंट के लिए, ये मेरा गांव था मैं ऐसा कुछ रीज़न दे के कि मेरा गांव था पहले, मैं इस गांव में पला बड़ा हूँ तो मैं इसको डोनेशन देना चाहता हूँ। डोनेशन, अंडरस्टैंड? नो डोनेशन, डोनेशन मीन्स गिविंग मनी है, गिविंग मनी फॉर चैरिटी पर्पस, चैरिटी पर्पस है, स्कूल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या कुछ और बताने के लिए गांव में ऐसे डोनेशन दिए जाते हैं रिच पीपल के द्वारा। लेट अस सी व्हाट द हरदस ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड? बोलो क्या क्या ऑप्शन थे टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ द हरदस विलेज? कौन कौन से ऑप्शन दिए थे उन्होंने? वाटर प्रॉब्लम जो थी उसको टेम्परेरी या परमानेंट सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए थे लोगों ने? सजेशन क्या क्या दिए थे? टैंक्स, टू बिल्ड टैंक्स, टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट, चेक डैम्स, एंड देन टू डिग मोर, डिग द हैंड पंप, टू डीपन द हैंड पंप, तो ये ऑप्शन दिए थे टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम ग्राम सभा हरदस। व्हेन द हरदस ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग
Yeah. The point, this point was brought up again by some of the members. Members means जो पंच हैं, उन्होंने अगेन ये प्रॉब्लम को brought up किया मतलब उठाया इस पॉइंट को. This meeting was attended by the सरपंच, वार्ड members जो पंच हैं and the secretary. Secretary कहाँ से आता है? Government appointed. ग्राम पंचायत members first discussed the suggestion to deepen two hand pumps and clean one well. Okay. So that the village would not go without water. So पहली एक स्कीम जो है उन्होंने लगा दी. सो एटलीस्ट टेम्प्रेरी है बट इसको वो एक सॉल्यूशन उनके पास आ गया कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द सरपंच सजेस्टेड दैट द सिंस पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप. जो ऑलरेडी मनी मिलता है तो हम स्कीम को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दिस कुड बी यूज फॉर कंप्लीटिंग द वर्क दिस वर्क. द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन. सेक्रेटरी का यही काम था रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स. तो ये प्रोसीडिंग हुई ना, डिस्कशन में आया कि वाटर प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है और डिसीजन हुआ कि इस तरह से मनी आएगा. गवर्नमेंट स्कीम है, मनी आने के लिए हैंडपम्प को डीपन करने के लिए, तो इस मनी को हम यूज़ करेंगे. द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. तो उनके पास टेम्प्रेरी सॉल्यूशन तो आ गया था और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पानी की समस्या का क्या है. दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग. सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम. जो वाटरशेड प्रोग्राम था ना, वाटरशेड प्रोग्राम में क्या क्या था बोलो ना. टैंक्स पॉन्ड्स को बिल्ड करना करके वाटरशेड प्रोग्राम में ये काम था. ठीक है. वुड मेक ए सब्सटेंशियल मीन्स सफिशेंट या मोर देन सफिशेंट. या सफिशेंट और मोर देन सफिशेंट. मोर देन सफिशेंट डिफरेंस टू द वाटर लेवल. वाटरशेड प्रोग्राम से क्या होगा कि जब चेक डैम्स बनाए जाएंगे, टैंक्स बनाए जाएंगे, तो वाटर विल सीप इनटू द अर्थ और अर्थ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है इट विल राइज. तो हैंडपम्प में जो फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आ रही है कि वो पानी नहीं आता, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. और वेल का पानी का लेवल भी बढ़ जाएगा. ए लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड. इसके बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ. एट द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम सभा. तो ये इन्होंने सेकेंड डिसीजन लिया वाटरशेड प्रोग्राम का. पहला डिसीजन टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था, अब ये परमानेंट सॉल्यूशन का इन्होंने एक डिसीजन लिया. एट द एंड इट वॉज डिसाइडेड द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम. कि ग्राम पंचायत वुड अप्रोच मीन्स ग्राम पंचायत द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. ब्लॉक के अंदर में बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है. ओके, अंडरस्टूड. एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर ईच ब्लॉक के लिए एक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट. तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहता है और उसके पास फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से इन डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए. तो ग्राम पंचायत जो है इन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी और पता करेगी क्या वाटरशेड प्रोग्राम के लिए कुछ फंडिंग मिलती है गांव को. गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन द स्कीम. तो ये डिसाइड किया गया कि भाई हम फंडिंग यहाँ से इससे बात करके पता करेंगे. व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत. टेल मी द टू डिसीजन व्हाट द ग्राम पंचायत हैज टेकन. टू कंस्ट्रक्ट टू डीपन द गवर्नमेंट स्कीम.
ये दो डिसीजन उन्होंने लिए. डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर द डैम टू टेक दिस डिसीजन? वाई? Because there was a shortage of water. Yeah, there was shortage of water, and in the next meeting, Gram Sangha member would ask question in the next meeting. कि आपने क्या किया उसको water shortage water problem को solve करने के लिए आपने क्या किया? हाँ, so उनको दो तरफ से problem लग रही थी कि मेरी problem तो है, but next meeting में again people will ask us कि आपने क्या किया उसके लिए. From the above description, write down one question that people would ask of the panchayat in the next Gram Sabha meeting. यही question पूछेंगे कि आपने water problem को solve करने के लिए क्या किया. Now ये कुछ activity चल रही है. Watershed management has transferred this barren slope or to a green meadow in just 2 years. See, what is the difference? पहले यहाँ कुछ नहीं था, ऐसा ही था. इन्होंने इसको क्लीन किया, पहले स्लोप था उसको ऐसे क्लीन करके डीपन कर दिया, तो यहाँ पानी भरने लगा और टोटली इट हैज चेंज इन 2 years. नाउ 3 levels ऑफ ग्राम पंचायत. आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन द हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज system is a process. It is called panchayati raj system. It is a process through which people participate in their own government. How they participate? Through gram sabha. The panchayati raj system is the first tier or level of democratic government. First tier means level of democratic government. Democratic government means the government which people elect. Through elections, the panch and the gram panchayat are answerable to the gram sabha. Panch and gram panchayat are answerable to the gram sabha. Answerable matlab, jo bhi unko decision lete hain, people they have to explain to the people that why they have taken this decision or why they are not able to manage the village in the correct way. Because it is the member of the Gram Sabha who elected them. Gram Sabha ke members ne Gram Panchayat ko elect kiya hai. The idea of people participation in the Panchayati Raj system extend to two other levels. One is the block level, ye block level, which is called the Janpad Panchayat. Janpad bolte hai district ko. District. Or the Panchayat Samiti. इसके ऊपर मैं पंचायत के बाद आता है जनपद ब्लॉक लेवल और पंचायत समिति. द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट. पंचायत समिति के अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायत रहती है. अबाउ द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद. तो देर आर 3 levels. द जिला परिषद एक्चुअली makes development plans at the district level. ठीक है, तो सबसे पहले वो आती है जिला परिषद. जिला परिषद, उसके बाद कौन सी आती है? जनपद. जनपद में क्या नाम लिखा है? जनपद पंचायत. ठीक है, ये ब्लॉक लेवल में होती है, दैट इज ऑन ब्लॉक लेवल. और तीसरी होती है कौन सी? थर्ड. विच वन इज थर्ड? ग्राम पंचायत. ये ग्राम पंचायत होती है विलेज के लेवल में. हाँ, जनपद होती है ब्लॉक लेवल में, जिसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत आ सकती है. ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेज आ सकते हैं, विलेजेस. ऐसे ही जनपद पंचायत में बहुत सारी ग्राम पंचायत आ सकती है. और जिला परिषद में बहुत सारी जनपद पंचायत आ सकती है. जनपद परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो फाइनल लेवल एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है. विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट इज आल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत. तो पंचायत समिति से साथ मिलके जो भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो पैसा आता है, गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है, उसको फंड्स को ये लोग रेगुलेट करते हैं.
किसको कितना जाना है, कौन सी ग्राम पंचायत को कितना ज़्यादा जाना है, कौन सी जन पंचायत को कितना पैसा जाना है, ये समिति के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं. विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री, विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इज ओन लॉ विथ रिगार्ड टू पंचायत. द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस. ओके, नाउ इट कंप्लीट्स द चैप्टर.